नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा। तो अभी हमने देखा था मशरूम की और भी कई सारे वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमने आपके सामने लेकर आए थे, लेकिन अब हम आ पहुंचे हैं वर्मी कंपोस्ट डिपार्टमेंट में, जो कि इसका नाम है कंपोस्टिंग यूनिट। तो यहाँ हम जो है आपको दिखाएंगे कि कैसे जो है वर्मी कंपोस्ट जो है बनाया जाता है, किस तरीके से ये आपको क्रॉप्स में, अलग अलग क्रॉप्स में जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से आपको फायदा देगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हम जानने वाले हैं इनके जो विषय एक्सपर्ट हैं वाणीशंकर बेरा जी से, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस। तो वेलकम सर, कंपोस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, जिसमें कंपोस्टिंग जो होता है, जो लीफ मटेरियल और एनी एनिमल पार्ट्स और एनी माइक्रोब्स, सब कुछ इसके अंदर जो कंपोस्ट हो जाता है, और वो क्या बोलते हैं, जो मर जाता है उसके बाद जो उसका कंपोस्ट होता है और वो ख़राब हो जाता है, उसके बाद वो कंपोस्ट में कन्वर्ट होता है। तो वही यहाँ पे हम लोग डिफरेंट मेथड में डिफरेंट तरह का प्रोसीजर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पे, जैसे वर्मी कंपोस्ट का एक मेथड, जैसे हम लोग बोलते हैं टैंक मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे टैंक प्रोसेस में हम लोग यहाँ पे काउ डंग और कोई भी एनिमल का वेस्ट, उसके साथ लीफ मटेरियल जैसे क्रॉप रेसिड्यू होता है, ये सब हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। तो कम से कम ये लगभग 3 महीने के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये नाम देख रहे हैं आप वर्मी कंपोस्ट, तो ये एक्चुअली ये वर्मी मतलब ये जो आर्ट फॉर्म बोलते हैं हम लोग, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, सो वो यूज़ करते हैं ये कंपोस्ट बनाने के लिए। इसका जो एक्सपीरिया है वो भी फाइनल प्रोडक्ट में वर्मी कंपोस्ट आता है। तो हम लोग देख सकते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट है, हमारा स्टूडेंट इसको सीव कर रहा है, तो ये काउडंग और सब लीफ मटेरियल जो था ये अभी कंपोस्ट मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद जो कंपोस्ट हो गया, कंपोस्ट होने के डिकम्पोज होने के बाद ये फाइनल प्रोडक्ट ऐसा आ गया। और ये बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि अभी देखिए इसका कितना सॉफ्टनेस है इसका, और इसका कोई काफी ज्यादा है इसमें सॉफ्टनेस, और इसका कोई स्मेल भी नहीं रहेगा। आप देखेंगे जी, इसका कोई भी स्मेल नहीं रहेगा। यही क्वालिटी है वर्मी कंपोस्ट, अच्छा क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट के लिए। और ये पूरा फ्रायबल है, एकदम पाउडर जैसा है, ज़्यादा पानी भी नहीं है, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये यही वर्मी कंपोस्ट है, हम लोग सब चासी बनाते हैं और बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन भी बनाते हैं अभी, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग पर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, फार्मिंग का भी ट्रेंड भी चल रहा है। तो लोग ये इस्तेमाल करते हैं कि जो बचे खुची चीज़ें होती हैं, जो हमारा वेस्ट होता है, स्पेशली काउडंग, क्योंकि उसको इस्तेमाल हम ज़्यादा लोग बायोगैस इस तरीके से करते हैं, लेकिन वर्मी कंपोस्ट ये थोड़ा यूनिक आइडिया है और कुछ नया भी रिसेंटली आया, जब से ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर जो चीज़ें बढ़ी हैं, तो उसमें ये वर्मी कंपोस्ट का बहुत बड़ा रोल जो है अभी हम देख सकते हैं, प्ले कर रहा है। तो सर, और आगे का प्रोसेस क्या होता है, और जैसे हम देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स या यूनिट्स बने हुए हैं, तो सर इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल जी आइए, हम लोग दिखाएंगे और भी अलग अलग जो मेथड है। तो और एक पहले बोल सकते हैं, हम लोग जो काउडंग है, जो प्रीवियस स्टेज में कैसा था, ये एकदम इनिशियल स्टेज में काउडंग है। तो ये जब तक ये 5-6 महीने ऐसे रख देंगे जैसे नॉर्मल फार्मर्स करते हैं, तो इसको हम लोग FOM बोलते हैं, तो डायरेक्ट वो ऐड करते हैं। लेकिन ये डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगता है, 6 महीने, वहाँ पर बहुत कम टाइम लगता है, 6 महीने में कम हो जाता है, इसलिए वो प्रोसेस हम लोग जैसे जल्दी वो लोग उसको प्लांट के लिए प्रोडक्ट मिल जाएगा, इसके लिए वो प्रोसेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा मात्रा में ये कंपोस्ट चाहिए और रिक्वायरमेंट जो भी है चाहिए, जो भी फर्क करेगा, उसके लिए उसको हम लोग फार्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। प्रोसेस और एक देखेंगे यहाँ पे, ये वर्मी कंपोस्ट का दूसरा मेथड है रिंग मेथड में, प्रोसीजर सब कुछ सेम है, लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा सा जगह में कर रहे हैं, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है वो कर सकता है इसको, छोटा सा एक रिंग खरीदने के बाद वो इसको घर में भी कहीं पे भी कर सकता है, 2000 ऐसे लगभग खर्च उसमें पड़ेगा। और इसका देख सकते हैं जो वर्मी वॉश हम लोग बोलते हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर के हिसाब से, और लिक्विड वर्मी वॉश जो निकलता है वो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं। और कुछ आर्टम भी है यहाँ पे दिखाएंगे जी, आर्टम है जी, देखिए ये सब आर्टम है,
ये प्रोडक्ट को बना रहा है। ये रिंग में सब हम लोग ऐसे ये रिंग में पूरा जो है आप स्टोर ये वर्मी कंपोस्ट का जो नेक्स्ट प्रोसेस का स्टेप है उसमें स्टोर करके रखते हैं। नहीं स्टोर नहीं, ये दूसरा प्रोसीजर है। अच्छा टैंक मतलब मेथड है क्या जिसके पास ज्यादा पैसा है वो इतना बड़ा कर सकता है स्ट्रक्चर। अच्छा इससे जो टैंक जैसे बनेगा इसमें 3 लाख 4 लाख ऐसे ये स्ट्रक्चर बहुत पैसा चाहिए तो इतना अच्छा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जिसके पास पैसा नहीं वो छोटा में कर सकता है, ऑप्शन है उसके पास। और दूसरा मेथड और भी सेम प्रोसीजर भामी कंपोस्ट बना रहा है दूसरा मेथड में, जैसे यहाँ पे HDPE मेथड बोलते हैं, टेट्राबेड मेथड। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये भी इसमें तैयार करके इसमें ये एक पॉलिथीन सीट से बना हुआ है, वो 400 GSM का लगभग पॉलिथीन ये GSM है। इसमें ये मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी परचेस कर सकता है। नियर अबाउट 2000 इसका प्राइस होगा। और ये इसका सबसे बड़ा फैसिलिटी क्या है, ये आप कहीं पे भी आप ले जा सकते हैं। सो इसलिए ये फैसिलिटी मतलब ये बहुत यूजफुल है आदमी के लिए। ये भी भर्मी कंपोस्ट का दूसरा मेथड है। और ये 3 मेथड अभी यहाँ पे हम लोग भर्मी कंपोस्ट के लिए कर रहे हैं। अभी दूसरा जो प्रोडक्ट है और कंपोनेंट बोलेंगे ये कंपोस्ट देंगे बायो डाइजेस्ट करेंगे। ये जस्ट क्या है, जैसे गोबर गैस बनाता है सेम और एक है यहाँ पे भावी वास, वहाँ पे भी हम लोग दिखाए थे जी। तो भावी वास यहाँ पे भी हम लोग बना रहे हैं ये स्टोर में, तो यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। ये भावी वास सर एक वो तो होता है ना, एक लिक्विड तैयार करके हम खेतों में जो डालते हैं, दो चार ऑर्गेनिक चीजें मिलाकर हम खेतों तक पहुँचाते हैं, ये उसी का है। तो सर इसमें क्या क्या मिलाया गया होगा लगता है? नहीं नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली काउडंग है और लीफ का जो मटेरियल है उसको डाइजेस्ट हो रहा है। वहाँ पे आर्थफॉर्म है, आर्थम का जो एक्सक्रीटा है तो लिक्विड एक्सक्रीट करता है वो ही आता है। अच्छा, दूसरा कुछ नहीं, नहीं आता। और कुछ लीफ का जो एक्स्ट्रैक्ट आता है, काउडंग का एक्स्ट्रैक्ट आता है, उसको हम लोग यहाँ पे स्टोर करते हैं। अच्छा। वही भावी वास होता है। Okay. इसमें जैसा एक बायोफर्टिलाइजर और दूसरा न्यूट्रिएंट लिक्विड न्यूट्रिएंट अप्लाई कर रहे हैं उस टाइप का यहाँ पे भी हम लोग ये जैविक प्रोसेस में हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी न्यूट्रिएंट रहेगा, माइक्रोस भी रहेगा और बहुत सारा जिसका टाइप का एंजाइम वगैरह वो भी रहता है। अजोला फार्मिंग भी है, बहुत सारा टैंक है यहाँ पे, लगभग 18 टैंक है इसमें। ये टैंक में अजोला हम लोग करते हैं बहुत प्रोटीन रहता है डाक और हेम के लिए और काऊ के लिए देते हैं। ये भी एक कंपोस्टिंग मेथड है, काऊ टैक्टिक मेथड। इसमें भी कुछ नहीं, जस्ट काउडंग को हम लोग यहाँ पे पूरा फिल करके ऊपर में एक लेयर करके मतलब उसको हम लोग एक शेड के अंदर बनाते हैं। ये काऊ टैक्टिक मेथड यूज करते हैं, ये भी एक कंपोस्टिंग मेथड है। देखते हैं जैसे लोग फार्मिंग करते हैं खेती, जो सबसे ज़्यादा फार्मर की शिकायत होती है वो वर्मी कंपोस्ट को लेकर ही होती है, क्योंकि जब आपका वर्मी कंपोस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, अच्छा नहीं रहता, तो उससे क्या होता है कि हमारा कहीं ना कहीं हमारे जो फार्म हम जो क्रॉप उगा रहे हैं उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। सर इस चीज़ को लेकर आप क्या मतलब आपकी क्या राय है सर? जी आप सही बोल रहे हैं, जो वर्मी कंपोस्ट का क्वालिटी एक्चुअली तो डिपेंड करता है जो वर्मी कंपोस्ट में हम लोग क्या क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं। हम जैसे बोल रहे हैं जो कंपोस्ट के लिए कोई भी हम लोग रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, वेस्ट मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसा बहुत कुछ वेस्ट आ रहा है तो उसमें देखना पड़ता है कुछ हेवी मेटल जैसा ऐसे कुछ यहाँ पे ना मिल सके, क्योंकि सिटी में जो वेस्ट होता है उसमें हेवी मेटल जाता है वो ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। और दूसरे तरह का चीज़ है जो भाई कंपोस्ट में क्या है, ऑर्गेनिज्म तो रहता है इसमें, अच्छा भी रहता है और ख़राब ऑर्गेनिज्म भी रहता है। तो ख़राब ऑर्गेनिज्म नहीं रहना चाहिए, इसको टेस्ट करने के बाद ही इसको पैकेजिंग और मार्केटिंग करना चाहिए, क्योंकि वो रहेगा तो उसमें से भी डिजीज़ हो सकता है प्लांट। तो वही ध्यान रखना चाहिए जो उसमें जब पैकिंग होगा उसके पहले उसका क्वालिटी का टेस्ट किया जाए, उसमें कोई भी जीवाणु नहीं रहना चाहिए। ये है बायोडायनेमिक कंपोस्ट की।
बायोडायनामिक डायनामिक मीन्स इसमें वो लोग कुछ न्यूट्रिएंट और जैसे क्या बोलेंगे माइक्रोब्स यहाँ पे भी हम लोग ग्रो करते हैं, जैसे काउ हॉर्न का जो है हॉर्न के अंदर हम लोग काउडंग भर देते हैं, उसमें से न्यूट्रिएंट और काउडंग एब्जॉर्ब करेगा हॉर्न से और उसमें जो भी है वो माइक्रोब्स के लिए बहुत अच्छा फूड रहेगा। एक्चुअली हम लोग माइक्रोब्स भी यहाँ पे रख सकते हैं और उसके साथ न्यूट्रिएंट भी वो लोग फिल्म में अप्लाई करेंगे, बाद में वो हॉर्न के अंदर से वो निकल के फिल्म में मिक्स करके अप्लाई करेंगे। ये दूसरा एक है, इसका नाम है जीवामृतम और अमृत पानी। खेतों में डालते हैं कीड़े मकोड़े जो लग जाते हैं वो भी करते हैं। एक्चुअली सॉयल हम लोग सॉयल कंडीशनर, जैसे सब कुछ कंडीशनर है, एयर कंडीशनर है, ये भी सॉयल कंडीशनर है हम लोग। अच्छा, जैसे बालों के लिए हमारा कंडीशनर होता है शैम्पू के बाद, वैसे ही खेतों के लिए भी कंडीशनर को हम इस नाम दे सकते हैं। ये फार्मिंग में सबसे बेस्ट जो है कंडीशनर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो काफी न्यू नाम आपने सर इसको दिया है कंडीशनर। नहीं, सॉयल कंडीशनर तो है, ये भी एक फिजिकल है, बायोडायनामिक डिजाइन मॉडल है, 500-200 मॉडल, तो वही यहाँ पे डेमोस्ट्रेट किया गया है बायोडायनामिक मॉडल। और जो हॉर्न देख सकते हैं हम लोग लगे हैं यहाँ पे लगा के मछली के अंदर जी, तो ये हॉर्न के अंदर इस वहाँ पे रखा हुआ है, इसके अंदर काउडंग उसके अंदर तो खाली रहता है ना, उसके अंदर काउडंग भर देते हैं, बाद में उसको फिर निकाल लेते हैं, तो वही निकलने के बाद उसमें जैसे बहुत माइक्रोब्स ग्रो करेगा तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। अच्छा, क्योंकि हम लोग का खेती में क्या चाहिए, माइक्रोब्स ही चाहिए, क्योंकि हम लोग बोलते हैं 1 ग्राम 1 स्पून सॉइल में कम से कम 1 बिलियन माइक्रोब रहता है, वही सब कुछ खाना बनाता है, तो वो नहीं रहेगा तो खाना नहीं बनेगा, इसके लिए माइक्रोब्स का बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे ये हम लोग कुछ पंचगव्य दशगव्य जैसे बोल रहे हैं, इन बीच जैसे बना रहे हैं, इन बीच मीन्स इसमें कुछ दूसरा टाइप्स का जैसे फ्रूट्स का कुछ वेस्ट, मतलब वेजिटेबल वेस्ट, सेपरेट वेस्ट हम लोग यहाँ पे मिक्स कर सकते हैं, ये भी लिक्विड फर्टिलाइजर्स में। और यहाँ पे लिक्विड हम लोग एक चीज़ बोल रहे हैं, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स सब कुछ ये कंपोस्ट में आ रहा है क्योंकि वो डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो और एक मेथड यहाँ पे भी है, ये वर्मी कंपोस्ट का और हम लोग बोल सकते हैं कंपोस्टिंग मेथड, नडीड मेथड। ओके, सो इसमें देख सकते हैं आप होल किया गया है और यहाँ पे दूसरा जगह में देख सकते हैं वहाँ पे कुछ होल नहीं है, तो मतलब क्या है, इसमें एयर जल्दी से पास करेगा तो इसमें जल्दी इसका डिकम्पोज हो जाएगा, बहुत जल्दी से डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसमें वही मेथड यहाँ पे मतलब पहले यूज़ किया था, तो उसके बाद और एक दिखेंगे वहाँ पे हम लोग इसका मेथड है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, यहाँ पे कोई वायर से ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये तो कहीं पर भी फार्म में कोई फील्ड में फील्ड कंडीशन में जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे वो लोग कर सकते हैं आउट प्लेस में। और ये डिफरेंट बीन्स है, बीन्स का है वो जो बांस का बना, ये अलग अलग तरीकों से भी वर्मी कंपोस्ट बनाकर इसको बना सकते हैं, जैसे वो अपने वो बांस का बना हुआ है वो इसके पास रिंग नहीं रहेगा, हाँ वो मतलब अलग अलग तरीके वो टैंक से सब बना के कर सकते हैं। और ये यूनिट है जैसे सिटी कंपोस्ट के लिए, जैसे सिटी में जो भी वेस्ट आता है वो कैसे रखेंगे, इसके लिए जैसा टैंक मतलब में वहाँ पे सिटी में कंपोस्ट बना सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कंपोस्ट बनाने के लिए हमें सिर्फ वैसे ही हम सिर्फ खुले में भी इस टाइप के छोटे छोटे स्पेस में भी हम थोड़ा थोड़ा मटेरियल इस्तेमाल करके हम इसको बना सकते हैं। हम लोग अभी देखेंगे ये सब एजोला है, यहाँ पे इतना सारा एजोला टैंक है, बहुत सारा एजोला भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो एक एक टैंक में जैसे सपोज ये पूरा टैंक है, यहाँ से कम 75 kg हम लोग हार्वेस्ट कर सकते हैं एक बार ग्रो होने के बाद। हाँ हाँ, तो ये हर तरीके से जो है, ये तो पोल्ट्री फार्मिंग हो या फिर लाइफ स्टॉक फार्मिंग, ये हर तरीके से काफ़ी असरदार होता है मिल्किंग के लिए, जो प्रोडक्शन होता है मिल्क प्रोडक्शन का उसके लिए। जैसे यहाँ पे कितना जी बढ़ गया है, पूरा भर गया है, ये हम लोग हार्वेस्ट करेंगे। आप लोग वहाँ पे स्पेशल साइज कर रहा था, ये देख सकते हैं जोला, ये एक फार्न है एक्चुअली, ठीक है, ये फार्न है,
तो इसमें एक्चुअली एक बैक्टीरिया रहता है, वही बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। जैसे नाइट्रोजन तो एयर में तो बहुत ज्यादा मात्रा में है, वही नाइट्रोजन ये बैक्टीरिया क्या करता है, एयर से एब्जॉर्ब करके इसके अंदर लिख के अंदर वो उसका पॉपुलेशन ज़्यादा करता है, वही बाद में हम लोग एनिमल को फीड करता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया सब कुछ वही सब कुछ खाने के लिए यूज़ होता है, तो वही नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है बाद में। और हम लोग ये एक यूनिट मतलब अभी करेंगे, जैसा ये बायोगैस प्लांट आप देख सकते हैं, एक मॉडल है, तो इसमें बायोगैस हम लोग बनाएंगे, तो बायोगैस बनाने के लिए प्रोसेस के लिए तैयार किया गया है, और उसका जो लिक्विड है वो डायरेक्ट फील्ड में यूज कर सकते हैं, और भावी कंपोस्ट के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये सब कंपोस्टिंग का डिफरेंट मेथड हम लोग यहाँ पे यूनिट में देख सकते हैं। सर मैं बस एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो फार्मर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी इस चीज़ को सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है आगे इस वर्मी कंपोस्ट को लेकर, और क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है अगर वर्मी कंपोस्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। जी पहले देखिए, अभी जैसे बोल रहा था ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है, इसके लिए तो इसका डिमांड तो बहुत ज़्यादा ही होगा, इसके लिए हमारा जितना युवा छात्र जो भी है, कोई भी जो पढ़ रहा है एग्रीकल्चर लेके वो भी है, इसके बाद अंदर जो भी नहीं पढ़ रहा है एग्रीकल्चर लेके वो भी कैसे करेगा, इसके लिए वो यहाँ से ट्रेनिंग ले सकता है, ये यूनिट से ट्रेनिंग लेके। और जो स्टूडेंट है वो तो सीख ही रहा है, उसके कोर्स के अंदर BSc एग्रीकल्चर में है, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में BSc स्टूडेंट है, तो लोग को तो पढ़ता है। इसके साथ जो फार्मास आता है, फार्मास भी यहाँ पे जो ट्रेनिंग के अगर ट्रेनिंग ले रहे हैं उसके अंदर में वो लोग सीख रहा है, वो घर में जाके कर सकता है। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, मतलब ऑर्गेनिक जो ये प्रोडक्शन हम लोग बोल रहे हैं, कंपोस्टिंग जो भी बना रहे हैं, ये बहुत डिमांड इसका बहुत ज़्यादा है, और फ्यूचर में भी होगा, क्योंकि हम लोग सभी बोल रहे हैं जो सॉइल का जो हेल्थ है वो बहुत ख़राब हो रहा है, फर्टिलाइजर दे रहा है, बहुत ज़्यादा केमिकल दे रहा है, तो इसमें थोड़ा सा लाइव मटेरियल देना चाहते हैं। जैसे इसमें भी काउडंग जो हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ये भी बहुत न्यूट्रिशियस होगा प्लांट के लिए, और बेसिकली सॉइल के लिए, सॉइल का क्वालिटी बहुत इम्प्रूव होगा ये मेथड यूज़ करने के बाद। और जितना भी हम लोग माइक्रो भी अप्लाई कर रहे हैं थ्रू दिस प्रोसेस में, वो भी सॉइल का पॉपुलेशन, माइक्रोब्स का जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज करेगा। तो सब कुछ क्या होता है, यही सब प्लांट को खाना देता है, सॉइल तो सॉइल में खाना तो मिट्टी में तो खाना तो है, वो तो पत्थर जैसा है, वो उसी से ही सॉइल बनता है, उसमें लाइफ नहीं रहता है जब तक ये नहीं रहता है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं रहता है। और ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, ये यही जो कंपोस्ट मैटर है ये ऑर्गेनिज्म का फूड है, तो वो इसके ऊपर डिपेंड है, ये नहीं रहेगा तो माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा तो प्लांट को खाना नहीं मिलेगा, तो ये एक पूरा साइकिल है। तो ये भी मतलब हम लोग अभी बोल सकते हैं, ये जो ऑर्गेनिक भी इंक्लूड करना चाहिए जो भी खेती कर रहा है, और वर्मी कंपोस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जल्दी न्यूट्रिएंट सप्लाई कर सकता है प्लांट, तो ये इसके लिए ये डिपार्टमेंट और ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और काम कर रहा है, फार्मर्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है ये यूनिट, स्टूडेंट के लिए भी फ्यूचर्स में कुछ आगे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपने यूनिट के बारे में काफ़ी माइनिंग जो बहुत ही ऐसी इसमें से सर ने यूनिट यहाँ पे चीज़ें करी हैं, जो मेथड्स बताए हैं, मैं बहुत ऐसे लोगों जिनको नहीं पता होगा, तो काफ़ी अच्छे से सर ने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आप अपने छोटे से जगह में, अपने छोटे से एरिया में वर्मी कंपोस्ट जो है तैयार कर सकते हैं, और अपने जो क्रॉप जिसको भी आप उगाना चाहते हैं उस पर बेहतर खाद देकर आप अच्छा क्रॉप उगा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर इंटरेक्टिंग विद अस, थैंक यू सो मच, और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहिए, देखने के लिए देखते रहिए कृषि राज, थैंक यू।